नमस्कार मित्रों जय माता शंकर आज हम बात करते हैं महिलाओं की महिलाओं के जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं जिससे वो निरंतर परेशान रहती हैं या विवाह के बाद वह परेशान रहती हैं विवाह के पहले जब वो अविवाहित रहती हैं उस समय उन के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और उनका भाग्य काम नहीं करता है या भाग्य के थपेड़े लगते रहते हैं ऐसा ही उनके विवाह के बाद भी होता है कि पति से अनबन है या किसी प्रकार की समस्या है या उनके जीवन में सुख और शांति का जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव उनसे दूर हो जाता है दुर्भाग्य धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ता जाता है तो इसके लिए आज हम एक उपाय लेकर आए हैं जो रामबाण उपाय साबित होगा अब बात करते हैं उपाय की कि यह एक छोटा सा उपाय है और विज्ञान पर आधारित है पॉजिटिव एनर्जी से संबंधित है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं, माताएं, बहनें, जो भी हैं रात्रि में साढ़े नौ बजे के बाद महान ऐसा होती है तो अपने पर्सनल रूम में या घर में ही साढ़े नौ बजे के बाद वो रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की तरफ वो टहला करें टहलने में वो अपने चाहें तो बालों को खोल सकती हैं और ना चाहें तो बालों को बांध कर ही रखें वैसे भी बालों को तीन चोटियों में मिलाकर बांधना चाहिए और महिलाओं को इस प्रकार से बैठना चाहिए कि उनके पीछे से कोई निकल ना सके जिससे किसी की जो नेगेटिविटी है वो उन तक ना पहुंच सके तो महिलाएं ऐसा कर सकती हैं कि रात्रि में प्रतिरात्रि जब वो शुरू करें तो अच्छे समय से इस कार्य को शुरू करना चाहिए रात्रि में यदि वो ईश्वर को मानती हैं ठीक है ना यदि वो ईश्वर को मानती हैं तो वो सोचें कि उनके अंदर किसी देवी शक्ति है या देवी माता की शक्ति उनके अंदर विद्यमान है और वह पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण जैसा भी चाहें वो ए, कुछ कदम टहल सकती हैं दस मिनट पाँच मिनट पंद्रह मिनट और टहलते हुए बस उनको ये ध्यान करना है कि उनके अंदर देवी शक्ति है और देवी माता की तरह शक्ति है और जो भी समस्याएं सभी समस्याएं उनकी निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी तो ये एक अच्छा रामबाण उपाय है कुछ ही दिनों में उनका जो भाग्य है वो अपने आप ही काम करने लगेगा एक इसके अलावा वह चाहें तो जो टहलते हुए ही टहलते हुए ही जब वो यह विचार कर रहे हैं ठीक है तो जो उनके मन में नकारात्मक बातें आती हैं ठीक है नेगेटिविटी आती है उस नेगेटिविटी को धीरे धीरे वो दूर करते हुए चले जाएं और जो भी देवी शक्ति है उस पर अटूट विश्वास रख सकते हैं यदि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं ठीक है ना या आप मान लीजिए कैथोलिक धर्म से हैं या इस्लाम से हैं या जो भी तो आप ये मान सकते हैं कि ईसाई में प्रभु यीशु का आप में कुछ अंश है या इस्लाम इससे संबंधित अल्लाह का अल्लाह ब्रह्म एक ही चीज़ है तो उसमें आप मान सकते हैं कि जो निराकार तत्व है ब्रह्म है या अल्लाह है उसका अंश आप में है और उसकी जो शक्ति है वो आप में है तो ऐसा करने से निश्चित तौर पर जो आप में विशेष तौर पर जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएँ अपने आप ही बढ़ने लगेंगी क्योंकि शरीर में ही पॉजिटिव एनर्जी होता है आत्मा परमात्मा का अंश है और वो धीरे धीरे जब इस तरह से करेंगे तो जो शरीर की शक्तियां हैं वो बढ़ने लगती हैं और जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है तो निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो जीवन में समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं का समाधान हो जाएगा और जो लोग आपसे कतराते थे वो निश्चित तौर पर आपके प्रभाव का लोहा मान जाएंगे ये एक अच्छा रामबाण उपाय है इसको करके आप जरूर देखें किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद